कसौटी जिंदगी फेम एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस आखिरकार क्यों बैठी है 6 महीने से बेरोजगार, तोड़ी है चुप्पी, क्या कुछ कहा है अपने इंटरव्यू में, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। वल आप सबको बता दूँ कि एरिका फर्नांडिस अपने पहले ही शो कुछ रंग प्यार के से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। इनका ये शो इतना सुपर डुपर हिट रहा था, जिसके बाद में जब ये सीज़न ख़त्म होने की बारी आई थी तो उसके बाद में फैंस की डिमांड पर इसका सेकेंड सीज़न आया और एक और डिमांड पे सीज़न 3 भी आया। वल आपको बता दूँ सीज़न 3 आने से पहले आ चुका था कसौटी जिंदगी, जिसमें इन्होंने प्रेरणा का किरदार निभाया था। ये शो भी चला था, एरिका को पसंद किया था, इनके किरदार को पसंद किया था, क्योंकि ऑलरेडी श्वेता त्रिपाठी इस कैरेक्टर को ऑलरेडी निभा चुकी थी, तो निभाना काफ़ी टफ था क्योंकि एक इमेज बन चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी एरिका को भी उतना ही प्यार मिला जितना श्वेता को मिला था। अब ऐसे मैं आपको बता दूं कि 6 महीने से एरिका बेरोजगार है, अपने घर में बैठी हुई है। उनके पास में ये नहीं है कि काम नहीं है, उनके पास काम है, लेकिन उनकी अपनी एक चॉइस है। आपको बता दूं कि उन्हें जिस तरीके के शोज इस समय ऑफर हो रहे हैं, क्योंकि बीच में खबरें ये सामने आई थी कि वह वेब सीरीज़ में अपना हाथ आजमाने वाली हैं, वेब सीरीज़ में नज़र आने वाली हैं, इसकी वजह से ही ये कहा जा रहा था कि एरिका जो है अब नई वेब सीरीज़ में नज़र आएंगी, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी। लेकिन दरअसल उन्होंने कहा कि वहाँ पर बोल्ड सीन की डिमांड की जा रही है, जिसके लिए वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं और उसके लिए वो जो है थोड़ी कंफर्टेबल भी नहीं है और अपने आप को कन्विंस भी नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से उनके पास प्रोजेक्ट्स तो आ रहे हैं लेकिन उनकी जो एक सीमा है ये उससे पार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इंटीमेट सीन करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हद तक है, मैं हर वो चीज़ नहीं कर सकती। जो उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग बोल्ड सीन देते हैं मुझे उन पर कोई आपत्ति है, लेकिन हर किसी का अपना अपना कंफर्टेबल जोन होता है, जहाँ पर उनकी हदें होती हैं, जहाँ तक वो अपने आप को पुश कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक आध चीज़ें ऊपर नीचे करती भी हूँ तो भी किसको हाँ करूँ किसको हाँ नहीं करूँ ये मेरे लिए तय कर पाना बहुत मुश्किल है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से 6 महीने से एरिका फर्नांडिस का कोई शो नहीं आ रहा है। आपको बता दूँ इसके साथ साथ एरिका का नाम झलक दिखलाजा के लिए भी आ रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में एरिका झलक दिखलाजा सीज़न 10 में नजर आएंगी या नहीं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।